अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त और सब भाई सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक और न्यू ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाने का तरीका बताएं दोस्तों, जिसके ऊपर हमने रेशमी धागा सेम थोड़ा दोस्तों हमने तकरीबन ये देखे ब्लैक धागा ब्लैक कपड़ा और थोड़ा सा हमने रेशमी धागा एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना है इसके ऊपर। उसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर कोके भी लगाएंगे। दोस्तों आज हम आपको एक और सिंपल सा डिज़ाइन बनाने का तरीका इस वीडियो में मुकम्मल बताएँगे। आप इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। दोस्तों ये देखिए हमने ये ब्लैक कपड़ा और कोके और रेशमी धागे से हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने हैं। दोस्तों अब जो हमारी फ्रंट पट्टी है, जो हमारा बुकरम का पीस है दोस्तों, हमने सबसे पहले ठोके का निशान लगाते हैं जितना हमने तैयार करना। दोस्तों हमने 2 इंच इसका तैयार करना है। इसको हम इस तरीके दोस्तों लकीर लेते हैं। तो उसके उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों हमने जी दोस्तों अब हमने इसको यहाँ से टुकड़ी कटिंग करनी है इसकी नोकदार। दोस्तों इस तरीके से हम निशान लगा लिया, हम इसका दरमियान कर लेते हैं 1 इंच का। दोस्तों जो हमने 1 इंच का निशान लगाया हुआ है दोस्तों, इस तरीके से अब हमने इसको इस तरीके से दोस्तों अब हमने इसको इसकी टुकड़ी कटिंग करनी दोस्तों। फिर आपने इस तरीके से जहाँ हमने निशान दरमियान में इस तरीके से लकीर ले, उसके बाद दोस्तों आपने दोनों साइडों से इस तरीके से 2 सूत्र एक साइड से दूसरी साइड पर आपने 2 सूत्र का निशान लगा ले जी। इस तरीके दोस्तों जो हमने निशान लगा लिया दोस्तों, अब इसको हमने इस तरीके से नोकदार दोस्तों कटिंग करेंगे। इसको हमने इस जहाँ से इसकी नोक कटिंग करनी है, अब दोस्तों हम इसको इस तरीके से लकीर लेते हैं जी। दोस्तों दूसरी साइड पर हम इसको लकीर लगा लेते हैं जी। दोस्तों जो हमने इसको लकीर लिया है, इस तरीके से आप इसको लकीर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमने इसको कटिंग कर देना, आपको इस तरीके से इसको कटिंग कर दीजिएगा जी। दोस्तों जो देखें हमने इसको कटिंग कर दिया, इस तरीके से फ्रंट पट्टी के पीस हमारा कटिंग हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम लेते हैं पैमाना। पैमाने से हमने एक साइड पर इसको रखकर एक साइड से दोस्तों हमने इस तरीके से हमने इसको दोस्तों लकीर लगा लेते हैं। इसको हमने इस तरीके से आपने एक साइड पर रखकर इसको आपने इस तरीके से इसको लकीर लगा लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने ब्लैक धागे से डॉट्स लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों आपने बैंड का पीस हम लेते हैं, बैंड के पीस को भी हमने कटिंग कर जहाँ से भी इसकी नोक तैयार कटिंग करनी है। दोस्तों जो हमने जो नोक कटिंग की है, जो उस एक्स्ट्रा बुकरम का जो पीस है नोक कटिंग की है फ्रंट पट्टी से, उसको दोस्तों हमने इस तरीके से इसको ऊपर रखकर इसको हमने कटिंग कर देना दोस्तों। आप यहाँ पर आप इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा दोस्तों। जो देखे हमने इसको इस तरीके से निशान लगा लिया, अब आपने क्या करना जो दोस्तों हमारा जो 1/2 इंच का वक्फा है दोस्तों, इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर देते हैं हम अब जी। दोस्तों आपने इस नोक को भी कटिंग कर देना है दोस्तों जी। उसके बाद आपने इस नोक को फोल्ड करके बैन को अब दूसरी नोक पर भी आपने इसी तरीके से हम इसको कटिंग कर लेते हैं इसको बराबर करके। दोस्तों आपने इसको बराबर करके इसको भी कटिंग कर लीजिएगा। देखिए हमने इसको अब कटिंग कर लिया है जी। जी दोस्तों हमारा बैन का पीस भी कटिंग हो चुका है, इस तरीके से आप कटिंग कर लें दोस्तों। उसके बाद हम लेते हैं दूसरा बैन का पीस, तो इसको भी नीचे से हम इसको लकीर लगा लेते हैं रेशमी धागा जहाँ पर हमने लगाना है दोस्तों। फिर आपने इस तरीके से निशान लगा लेते हैं दोस्तों। हम जहाँ पर लगाते हैं 1.25 इंच पर निशान दोस्तों, दूसरी साइड पर भी हम निशान लगाते हैं 1.25 इंच पर जी। दोस्तों जी हमने दोनों साइड पर निशान लगा लिए 1.25 इंच पर। दोस्तों अब दूसरा बैन का पीस लेते हैं, हम इसको एक पैर का वक्फा नीचे से दबा छोड़कर यानी 2 सूत्र का, तो हम इसको इस तरीके से लकीर लेते हैं दोस्तों। इसको आपने दूसरी बैन की मदद से इसको लकीर लीजिए, इसलिए जो बैन का जो पीस होता है वो गोलाई की शेप में होता है, तो हम दूसरे बैन की शेप में दूसरे बैन की मदद से इसको गोलाई शेप में लकीर लेते हैं दोस्तों। जो देखें हमने इसको भी लकीर लिया, इस तरीके से आप इसको लकीर लीजिएगा। देखिए जो हमारा पीस मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। जो दोनों पीस हमने कटिंग कर लिया, जो हमारा बैंड का पीस है और देखें मुझे हमारा फ्रंट पट्टी का पीस है दोस्तों। जो हमने सूट सिलाई करना है उसका पीस लेते हैं कपड़े का दोस्तों। जो हमने जो सूट सिलाई करना मैचिंग वाला, इसके ऊपर दोस्तों आपने फ्रंट पट्टी आप इसको प्रेस कर लेते हैं, आप इस तरीके से हम इसको प्रेस कर लेते हैं जी। दोस्तों जो देखें हमने इसको आप अच्छे तरीके से प्रेस कर ले, उसके बाद आपने जी दोस्तों जो देखें हमने इसको भी अब प्रेस कर लिया है आप। उसके बाद दोस्तों आपने बैन का पीस लेते हैं, बैन के पीस को भी हम इस तरीके से पीस को प्रेस कर लेते हैं जी। दोस्तों जो देखें हमने इसको इस तरीके से प्रेस कर लेना है, जो हमारा बैन का पीस है आप इसको इस तरीके से प्रेस कर लीजिएगा जी। दोस्तों जो हमारा बैन का पीस भी हम इसको भी प्रेस कर लेते हैं, हम फ्रंट पट्टी का पीस आपने प्रेस कर लिया था दोस्तों जी। देखिए हमारे दोनों पीस प्रेस हो चुके हैं, देखिए हमारा बैन का और फ्रंट पट्टी का। दोस्तों अब इसके ऊपर रेशमी सलाई लगाते हैं दोस्तों। रेशमी धागा फिरकी के अंदर आपने डबल भर लेना, इस धागे को आपने फिरकी के अंदर भर लीजिए दोस्तों जी। देखिए हमने धागा भर लिया है,
अब दोस्तों हमने ऊपर ब्लैक धागा लगाएंगे, नीचे फिरकी के अंदर हम लगाएंगे रेशमी धागा डबल। आप चलते मशीन के ऊपर, दोस्तों नीचे हमने मशीन के अंदर रेशमी धागा डबल भर लिया, ऊपर हमने लगा लिया है ब्लैक धागा। दोस्तों आपने धागे की सेटिंग कर लेके करने के बाद आपने उल्टी साइड की तरफ आपने इस तरीके से आप दोस्तों सिलाई लगा लीजिएगा। जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है इसके ऊपर दोस्तों आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है जी। इस तरीके दोस्तों आपने जो सिलाई लगा लीजिएगा एक पैर वक्फे से आपने ये सिलाई दोस्तों लगा लेनी है। अब दोस्तों जहाँ पर हमने देखे हमारी बहुत ही खूबसूरत सिलाई लग रही है, इस तरीके से आप इसको लगा लीजिएगा। दोस्तों जहाँ पर हमारा जो निशान लगा वहाँ तक आपने ये सिलाई को हमने लगाना है। इस तरीके दोस्तों जहाँ पर हमने अब सिलाई को बाहर निकाल लेते हैं, दोस्तों जहाँ से हम सिलाई बाहर निकाल लेते हैं जी। दोस्तों ये देखिए हम दोस्तों बैंड का पीस लेते हैं, बैंड का पीस के ऊपर भी हमने इस तरीके से ये सिलाई लगा लेनी है दोस्तों जी। दोस्तों आपने बैंड के पीस के ऊपर भी सिलाई लगा लीजिएगा, जहाँ से हमने जिस डोट्स लगाया वो वहाँ से आप सिलाई शुरू कर लीजिएगा। तो इस तरीके दोस्तों आप इसको भी मुकम्मल कर लीजिएगा जी। दोस्तों आपने बैंड के ऊपर भी सिलाई लगा लीजिएगा, इस तरीके से आप इसको मुकम्मल कर लें जी। दोस्तों जी देखें हमारे हम जहाँ पर हमारा डोट्स लगा और निशान लगा वहाँ से हम सिलाई को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों जी देखें हमारा जे पीस भी मुकम्मल हो चुका है, दोस्तों सिलाई का पीस हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों जी देखें हमने बैंक का पीस मुकम्मल कर लिया, फ्रंट पट्टी का पीस दोनों भी इसके ऊपर सिलाई लगा रही है रेशमी धागे से। दोस्तों हम लेते हैं ब्लैक धागा, ब्लैक धागे से हम इस धागे को नीचे से बाहर निकाल लेते हैं उल्टी साइड से। दोस्तों हमने जहाँ पर इसको गिरा लगा लेते हैं। दोस्तों जी हमने धागे को कटिंग करके गिरा लगा ली। दोस्तों अब आपने क्या करना जी, दोस्तों अब हम ब्लैक धागे को सुई के अंदर डाल लेते हैं, डबल धागा सुई के अंदर डाल लें। उसके बाद आपने दोस्तों जो सिलाई की जो किनारी होगी दोस्तों आखिर पर नोक पर आपने इस तरीके से हमने डोट्स लगा देना है ब्लैक धागे से। आप दोस्तों इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा, उसके बाद आपने डोट्स लगाना है इसके ऊपर हमने जी। दोस्तों अब हमने इसको इस तरीके से जैसे हम निशान लगा लेते हैं, जहाँ पर हमने निशान लगाए उसके ऊपर इस तरीके से आप ब्लैक धागे दोस्तों हम डोट्स लगाते हैं। दोस्तों देखें हमने इसके ऊपर डोट्स लगा लिया। अब इस यहाँ पर हम गिरा लगा लेते हैं इसको भी। दोस्तों जी हम इसको हम कटिंग कर देते हैं। दोस्तों जी देखें हमने इसके ऊपर जो ब्लैक धागे से डोट्स लगा लिया, इस तरीके से आपने बैंड के ऊपर भी लगा ले और दोस्तों आपने दोनों साइडों पर लगा लेना। इस तरीके से आपने निशान लगाने के बाद आपने इसके ऊपर भी लगा लीजिएगा जी। दोस्तों जी देखें हमने इसको इस तरीके से लगा लिया, अब इसको भी हम गिरा लगा लेते हैं। दोस्तों आप इस तरीके से गिरा लगा लें, उसके बाद दोस्तों दूसरी साइड पर भी आप इस तरीके से ब्लैक धागे से डोट्स लगा लें जी। दोस्तों जी देखें हम यहाँ पर भी ब्लैक धागे से डोट्स लगा लेते हैं, आप इस तरीके से यहाँ पर भी डोट्स लगा लीजिएगा जी। दोस्तों आप इसको मुकम्मल कर लें, जो हमारे बैन का पीस है इसको भी हम मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद हमने ब्लैक कपड़े से इसके ऊपर टुकड़ी लगानी है, ब्लैक कपड़े से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना है। उसके बाद हमने कोके लगाने, दोस्तों वो भी आपको तरीका इस वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल बता देंगे। आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत सीखने को देखने को मिलेगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लाजमी कर लीजिए, इसलिए कि हमारी मज़ीद वीडियो आप आइए तो दोस्तों तक पहुँचती रहेगी। दोस्तों जी आपने इसको कटिंग कर, दोस्तों आपने यहाँ पर हमने कट जो कटिंग किया हुआ बकरम वहाँ पर दोस्तों हमने इस तरीके से बिल्कुल दरमियान पर दोस्तों इस तरीके से हमने कट लगा लेना है नोक पर। दोस्तों फिर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना, दोनों साइडों से आपने कपड़े को कटिंग कर लेते हैं जी। दोस्तों आपने इस तरीके से कटिंग कर लेना है कपड़े को जी। दोस्तों अब आपने क्या करना, अब हमने इसको कलर लगा कर इसको आपने फोल्ड कर लेना है जी। दोस्तों जी देखिए आपने कलर लगा लिया, अब दोस्तों इस नोकों को फोल्ड कर लेते, कपड़े को फोल्ड करके इसकी नोक तैयार कर लेते हैं। आप इस तरीके से इसकी नोक तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों जी देखें हमारा हमने इसको इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब दोस्तों इसको हमने प्रेस कर लिया। दोस्तों अब लेते हैं ब्लैक कपड़ा। दोस्तों अब ब्लैक कपड़े को आपने क्या करना है, इसके हिसाब से आपने कटिंग करना है, या इसको आप दोस्तों इस तरीके से कटिंग कर लें। और दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर हम इसको रखकर प्रेस कर देंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हम कलर लगाते हैं, इसके ऊपर कलर लगा कर इसके ऊपर हम ब्लैक कपड़े को रखकर इसको हम प्रेस कर देंगे जी। दोस्तों जी देखें हमने इसको इस तरीके से आप प्रेस कर देते हैं जी। दोस्तों जी देखें इसके साथ ये कपड़ा अटैच हो चुका है, इसलिए दोस्तों आप इसको प्रेस कर दीजिए कर दें। दोस्तों देखें महाराज तैयार हो चुका है। दोस्तों उसके बाद आपने एक्स्ट्रा बकरम का कपड़ा बकरम का पीस ले लें, जितना आपने कट निकाला होगा उससे आपने थोड़ा ज़्यादा बकरम का पीस लेकर इसको आपने इस तरीके से आपने दोस्तों इसके ऊपर रखकर आपने पट्टी के बराबर इस तरीके से आप इसको प्रेस कर दें जी। दोस्तों जी देखें आपने इसको आप प्रेस कर दिया, आपको आप इसको इस तरीके से प्रेस कर दें। दोस्तों जी देखें हमारी जो नोक इस तरीके दोस्तों जी देखें बहुत ही खूबसूरत तैयार हो चुकी है, इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा।
और उसके बाद दोस्तों हम लेते हैं बैन का पीस भी, उसको भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। दोस्तों बैन का पीस के भी आपने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दें सच दोस्तों, फिर आपने बिल्कुल नोक कोने पर आपने सीधा कट कटिंग कट लगा दें। उसके बाद आपने इस तरीके कट लगाने के बाद आपने इसको इस तरीके से कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दें, फिर आप इसको कलर लगा कर इसको भी फोल्ड कर दें जी। दोस्तों हम इसको इस तरीके से कलर लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेते हैं जी। दोस्तों आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिएगा जी, हमारा बैन का पीस है जी। दोस्तों जी हमने एक नोक इसकी तैयार कर ली है, दूसरी नोक भी आप इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों इसके ऊपर आप लगाते हैं ब्लैक कपड़ा, ब्लैक कपड़ा इसके हिसाब से कटिंग कर लें जितना आपने जो नोक इसकी कटिंग की। दोस्तों इस तरीके से आपने इसकी मैश करके इसको कटिंग कर लें। दोस्तों फिर हमने यहाँ पर कलर लगाते हैं इसके ऊपर, फिर इस कलर लगा कर इसको भी इसके साथ अटैच कर देते हैं जी। दोस्तों जी देखिए हमने इस तरीके से कलर लगाने के बाद इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं जी। दोस्तों जी देखें हमने अब इसको दोस्तों प्रेस कर दिया है, इस तरीके से आप इसको प्रेस कर दें दोस्तों। फिर दूसरी साइड पर भी हमने इस तरीके से कट लगाते हैं जी। दोस्तों फिर हमने इस तरीके से कपड़ा कटिंग एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके इसको भी इसी तरीके से दोस्तों कलफ लगा कर इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं जी। दोस्तों आपने इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद आपने इसको फोल्ड कर दे जी। दोस्तों इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर दीजिएगा, देखिए हमने इसको भी फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके इसको तैयार कर लें। और दोस्तों यहाँ पर हम ब्लैक कपड़ा लगाते हैं इसके ऊपर भी। दोस्तों यहाँ पर हम आप ब्लैक कपड़ा लगाते हैं, जहाँ पर कलफ लगा लें आपने, कलफ लगाने के बाद आपने ब्लैक कपड़ा जो ऊपर लगाना आपने इस तरीके से इसको रख कर जी आप इसको इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा जी। दोस्तों जी देखें हमने दोनों साइड पर ब्लैक कपड़ा लगा लिया। दूसरा हम लेते हैं बैन का दूसरा पीस। दोस्तों जो बुकरम का दूसरा पीस होगा बैन का, हम इसको इसके ऊपर रखकर इसको प्रेस कर देंगे जी। दोस्तों आपने इस तरीके से दूसरा जो बैन का पीस होगा इसको इसके ऊपर रखकर आपने इसको प्रेस कर देना है जी। दोस्तों जी देखें हमारा जो बैन का पीस है इसको हम इस तरीके से प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा पीस मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों हमारी फ्रंट पट्टी भी मुकम्मल हो चुकी है, इसके बाद जो हमारा बैन का पीस है, उसके बाद दोस्तों हम आपको कोके लगाने का तरीका इस वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल बताएंगे। दोस्तों अब हम इसके ऊपर कोके लगाते हैं। दोस्तों ये देखें हमने इस तरीके से जो इसकी जो नोक होगी इसके ऊपर हमने ब्लैक धागे ब्लैक कोका लगाएंगे इसके ऊपर ब्लैक कपड़े के ऊपर। दोस्तों ये तीन कोके हमने ले लिए, इसके ऊपर तीन कोके लगेंगे। दोस्तों आपने किस तरीके से कोका लगाना है, दोस्तों आपने इस तरीके से हमने इसकी नोक के ऊपर रखकर हमने इस तरीके से इसको दोस्तों ये देखें हमने इसको बिल्कुल बराबर कर लेते हैं दोनों साइडों से जी। दोस्तों अब इस तरीके दोस्तों हमने अब इसे ऊपर से इस तरीके दोस्तों हम इसको लगा लेते हैं। दोस्तों ये देखें नीचे से इसकी नोकियाँ बाहर आ चुकी है, इस तरीके से हम इसकी जो नोकियाँ होंगी उसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे दोस्तों, फोल्ड कर देंगे नोको इस तरीके से आप अंदर तरफ इसको मोड़ दीजिएगा जी। दोस्तों जी देखें हमने इसको अब इस तरीके से मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया। दोस्तों जी देखें हमारा जो पीस फ्रंट पट्टी का तैयार हो चुका है। दोस्तों इसके बाद हम लेते हैं कॉलर का बैन का पीस। दोस्तों बैन के पीस के ऊपर जो ब्लैक नोके हैं हमने इसके ऊपर आप जो दोनों तरफ दोनों साइड पर आपने जो कोके लगा लेने हैं जी। दोस्तों जी देखें हमने इस दोनों साइड पर दोस्तों इस तरीके से लगा लेते हैं। ये देखें दोस्तों हमने इसको लगा लिया है जी। दोस्तों आपने इसको इस तरीके दोस्तों आपने इसको लगा लीजिएगा। फिर दूसरी साइड पर दोस्तों आपने इस ब्लैक कोके को लगा लें ब्लैक कपड़े के ऊपर नोक के ऊपर, आपने इस तरीके दोस्तों इसको भी मुकम्मल कर लें। दोस्तों जी देखिए हमने दोनों साइडों पर कोके लगा लिया, अब आपने की नोके जिसकी होगी इसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है, इसकी नोके मोड़ देना है आपने जी। देखिए दोस्तों आपने इसकी नोके मोड़ दी है। दोस्तों जी देखिए हमने इसको भी तैयार कोके भी लगा लिए, ब्लैक कपड़ा भी लगा लिया और रेशमी धागा भी लगा लिया। दोस्तों इसको हमने मुकम्मल कर लिया है इस तरीके। दोस्तों आप इसको भी मुकम्मल कर लें जी, हमने दोनों पीसों के ऊपर कोके लगा लिए हैं इस तरीके। दोस्तों आपने हमने दोनों साइडों पर कोके लगा लिए, दोनों पीस तैयार कर लिए। दोस्तों आपने अब इसको फोल्ड करके इस पट्टी को और बैग पीस को तैयार कर लें, मुकम्मल कर लें। और ये देखें दोस्तों हमने इसको भी तैयार कर लिया, फोल्ड कर लिया। दोस्तों जी हमारा बैग का पीस भी तैयार हो चुका है और देखें बहुत ही खूबसूरत हमारा बैग का पीस भी तैयार हो चुका है। दूसरी नोक भी इसकी बेहतरीन तरीके से हमने तैयार कर लिया और हमारी फ्रंट पट्टी भी तैयार हो चुकी है। और दोस्तों हमने दूसरा चैनल भी बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम जो कि मशीन रिपेयरिंग करने का तरीका बताते हैं। उस दूसरे चैनल का लिंक हमने जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और हमारा सिलाई वाला चैनल भी सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको जेंट्स डिज़ाइनिंग और सिलाई स्टिचिंग सीखने को मिलेगी। दोस्तों जी देखें हमारा बहुत ही खूबसूरत हमारा सिंपल सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। दोस्तों हमारा सूट भी सिलाई हो चुका है, वो भी आपको दिखा देते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमने वो सूट सिलाई कर लिया, तैयार कर लिया। इस तरीके से आप इसको तैयार कर लें, हमारा देखें बैंक का पीस भी तैयार हो चुका है।
और ये देखे दोस्तों हमारा पीस मुकम्मल तैयार हो चुके हैं, इस तरीके से आप इसको तैयार कर लें। और ये देखे दोस्तों हमारा उम्मीद करता हूँ सब भाइयों दोस्तों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।